आप सबको साइका आबिद का सलाम पहुँचे। स्टूडेंट्स, आज से हम C++ जो CS201 की बुक है उसके लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास हार्ड फॉर्म में हैंडआउट्स होने चाहिए CS201 के। अगर आपके पास बुक नहीं है, इसकी हैंडआउट नहीं है, तो आप इजीली गूगल से इसके सॉफ्ट फॉर्म में हैंडआउट को डाउनलोड कर लें और रजिस्टर्स और पेंसिल को अपने पास रखें ताकि लेक्चर को आप साथ साथ नोट कर सकें और नोट्स बना सकें ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। अब आ जाते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हमारी बुक का नाम है और इसका कोड CS201 है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में, सबसे पहला, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, डिवेलप अ बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, पॉइंट टू रिमेंबर्स। ये 5 टॉपिक हैं जो आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोग्राम क्या है कि एक सीक्वेंस स्टेप्स है सीक्वेंस में जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिस तरह के हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं या हम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं मुख्तलिफ बिजनेस में काम करने वाले लोग। तो एक्चुअल में जो प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है कि एक सीक्वेंस स्टेप्स हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। उससे नेक्स्ट स्लाइड में एलन पैलिस, जो कि येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो आप प्लान बनाते हो, फिर उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिसिप्लिन करते हो अपने माइंड के अंदर, उसके ऊपर आप अटेंशन देते हो, तो इससे आपको एक फ़न जैसा क्रिएट हो जाता है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो अच्छे तरीके से, सारा कुछ करके, ऑर्गेनाइज करके, प्लानिंग करके, तो ये आपके लिए एक फ़न है। इससे नेक्स्ट एक मिस्टर स्टीव समिट जो हैं, उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से रीड कर लें। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, बस समझने वाला ही है। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ के व्हाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें वो सबसे पहले कहता है कि लोग, जब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कोड जनरेटर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो फिर हम क्यों प्रोग्रामिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं। उसने हमारे इस हैंडआउट में दो इसके रीज़न बताए हैं कि दो रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को प्रोग्रामिंग करना चाहिए, सीखनी चाहिए। बेशक हमारे पास कोड जनरेटर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इंसानों को भी कोडिंग का पता होना चाहिए और उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वे कोड लिख सकें और रीड कर सकें। इसकी दो रीज़न है जो उन्होंने हमें बताए। इसमें जो सबसे फर्स्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन का, वो ये है कि कहते हैं प्रोग्रामिंग बेशक कुछ लोगों के लिए यूज़फुल है, लेकिन एज अ ऑथर प्रोग्रामिंग हर इंसान को आनी चाहिए। बेशक वो किसी भी जगह पे स्प्रेडशीट का एडमिन है या फिर कोई हाई टेक्नोलॉजी का प्रोग्रामर है। सेकंड स्टेप में वो कहता है कि हम लोग, हमें जो प्रोग्रामिंग है टेक्नोलॉजी के साथ आनी चाहिए और एक रूल्स के मुताबिक होना आनी चाहिए, जिसमें कम अज़ कम इंट्रूजन हो, मींस अमले दखल हो। इस तरह से अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम एनालिसिस का पता चलेगा और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है इस वजह से हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ताकि हम अपनी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को क्रिएट कर सकें। उसके बाद उसने हमारे जो क्वेश्चन के आंसर को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसने ये 3 कंक्लूजन दिए हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आप क्रिटिकल रीडिंग करना सीख जाओगे, एनालिटिकल थिंकिंग हो जाएगी आपकी, और क्रिएटिव सिंथेसिस कर सकोगे। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब है कि तनकीदी रीडिंग कर सकोगे। एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स तजर्बाती आप सोच सकोगे, मीन्स आपका माइंड जो है वो तजर्बाती चीज़ों को पिकअप करेगा और सोचेगा। और क्रिएटिव सिंथेसिस का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप इजाद कर सकोगे और आपको पता चलेगा किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। इसलिए प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ही लाजमी है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट स्किल्स आर नीडेड। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है पेइंग अटेंशन टू डिटेल, थिंक अबाउट रीयूजबिलिटी, थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस, और देन अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड, एंड लास्ट वन इज़ कमेंट द कोड,
लिबरली। अब हम वन बाय वन इन पांचों स्टेप्स को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है पेइंग अटेंशन टू डिटेल। इसका क्या मतलब है, कहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि हर प्रोग्रामर में होनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करे और उसको समझ सके। वैसे भी कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो अगर आप उसको अच्छे से समझ लोगे ना कोई भी क्वेश्चन को, तो उसका आधा आंसर उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगती है तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। इसी तरह ये कहता है कि पेइंग अटेंशन टू डिटेल का मतलब यही है कि आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को, मीन्स अपने प्रोग्राम की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझो, एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझ के उसका फिर मतलब निकालो कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद कहता है बार दफ़ा ऐसे होता है कि कोई चीज़ें हमारी ग्रामेटिकली तो करेक्ट होती हैं लेकिन उसमें फिर भी एरर होता है। इसने यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है थ्रू द लुकिंग ग्लास, लेविस कैरल ने इसको लिखा है, कहता है ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है लेकिन इसकी हमें समझ नहीं आ रही, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह से मिस्टर एबीसी स्लीप्स 30 और एवरी डे, कहते ये जो स्टेटमेंट है कि मिस्टर एबीसी स्लीप्स 30 आवर्स एवरी डे, ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है लेकिन ये इलॉजिकल है। तो कहते हैं इस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट प्रोग्राम बाज़ दफ़ा होते हैं लेकिन उसकी हमें समझ नहीं लग रही होती और इस तरह से वो इनकरेक्ट एरर वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते। इस इन सारी कंफ्यूजन से, प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको पेइंग अटेंशन टू डिटेल आना चाहिए, अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें कि आप प्रोग्राम की प्रॉब्लम को अच्छे से समझें और फिर उसका आंसर देने की कोशिश करें। अब सेकेंड वाला पॉइंट हम देखते हैं, थिंक अबाउट दी रीयूजबिलिटी, मीन्स आप अपने प्रोग्राम को इस तरह से लिखो अपने माइंड में ये चीज़ सोच के आपका प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो वो दोबारा से रीयूज़ हो सके। क्योंकि जब आप चीज़ों को रीयूज़ करते हो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपकी स्पेस भी बचती है और दूसरा आपकी कन्फ्यूजन वगैरह भी नहीं होती। यहाँ पर उन्होंने एक हमें एग्ज़ाम्पल दी है नेस्ट एक डायग्राम के साथ एरिया ऑफ द रिंग। यहाँ पे उसने रीयूजबिलिटी की ये एग्जांपल पुट की हुई है कि अगर हम किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर की टू, ठीक है। अगर हम तो पाई आर की टू से तो हम सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं लेकिन हम अगर हमें वो रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए कह दे तो हम उसी कोड को रीयूज़ कर लेंगे, मीन जो आउटर सर्कल है उसको इनर सर्कल से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिंग का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट है थिंक अबाउट गुड यूज़र इंटरफेस। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने बोला हुआ है कि हम लोग अगर ये माइंड में रखें कि एक प्रोग्रामर को सारा कुछ आता है या प्रोग्रामर ये माइंड में रखें कि आपके कंप्यूटर को सारा कुछ आता है तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप ये सोचो तो, क्योंकि आप ऐसा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाओ अपने किसी भी प्रोग्राम का, ईजी से ईजी इंटरफेस बनाओ जो कि अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हो, यूज़र को पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े कि ये सेटअप या ये प्रोग्राम किस लिए यूज़ हुआ है। आप प्रोग्राम का इंटरफेस ही इतना सिंपल, यूनिक और अच्छे से बनाओ। अब इससे नेक्स्ट हमारा फोर वाला पॉइंट है अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कहता है कि आप अपने माइंड में ये चीज़ रखो कि जो आपका कंप्यूटर है वो स्टूपिड है, उसको कुछ भी नहीं पता, आप जितना उसको बताओगे वो वही करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर से कहते हो टाइम प्लीज़, अब कंप्यूटर को कोई पता नहीं है कि ये क्या कह रहा है। अगर आप किसी इंसान से कहते हो ना टाइम, वो आपको टाइम बताता है, या टाइम प्लीज़ कहते हो तो वो आपको टाइम बता देता है, लेकिन आप कंप्यूटर को अगर ये बात समझाना चाहते हो तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसकी ज़ुबान में उससे पूछना पड़ेगा तभी वो समझ पाएगा। When you are programming itself to able to think as stupidly as the computer, कहते हैं जब आप as a programmer काम कर रहे होते हो तो आपको भी computer के साथ stupid होना पड़ता है उसको समझने के लिए और उसको अपनी बात समझाने के लिए। इसलिए आप प्रोग्राम को लिखते टाइम ये बात माइंड में रखें कि आपका कंप्यूटर जो है stupid है और आपको भी stupid बनना है उसके साथ प्रोग्राम को उसको समझाने के लिए। इसके साथ ही हमारा लास्ट स्टेप है स्किल्स, कौन सी स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कमेंड दी कोड लिबरली। ये भी स्किल होनी चाहिए प्रोग्रामर में कि वो जब भी प्रोग्राम लिख रहा है तो उसमें कमेंट जो है वो आज़ादी के साथ हर स्टेटमेंट देने से पहले या कोई भी फंक्शन लिखने से पहले वो कमेंट दे,
क्योंकि ये कमेंट जो है ना तो मेमोरी में कोई जगह लेते हैं और हमारा कंपाइलर भी इसको इग्नोर करता है। आप जितने मर्जी कमेंट दे लें उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे प्रोग्राम के ऊपर। और कमेंट देने का मकसद यही होगा कि कल को अगर आप किसी कंपनी के लिए कोई काम कर रहे हो, आपको छोड़ के जाना पड़े, तो कोई नेक्स्ट बंदा वो हायर करें तो उसको कमेंट देख के, आपके कमेंट्स देख के पता चल जाए कि ये प्रोग्राम किस लिए यूज़ हुआ है, या फिर आपके बॉस या आपके टीचर जो हैं आप उनको अपना प्रोग्राम दो तो वो अच्छे से समझ सकें कि ये वाली लाइन या ये वाला फंक्शन या जो भी स्टेटमेंट्स आपने प्रोग्राम में यूज़ की हैं वो किस लिए यूज़ हुई हैं। आज के हमारे लेक्चर का सबसे लास्ट वाला जो है वो डिवेलप अ बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम। तो इसके लिए उन्होंने, इसका क्या मतलब है कि किस तरह से आप अपने प्रोग्राम के लिए रेसिपी बना सकते हैं। अब रेसिपी का क्या मतलब है, मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो किचन में जब काम कर रही होती हैं, खाना बना रही होती हैं, तो वो अपने खाना बनाने के प्रोसेस को, मेथड को ना एक रेसिपी की शक्ल में डिवाइड करती हैं कि पहले हमने क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर खाना बन जाना है। मीन्स उनको प्रॉपरली गाइडलाइंस होती हैं उसको करने की। जैसे ही कोई प्लेयर है ना, उसको भी सारी गाइडलाइंस होती हैं, उसको पता होता है कि मैंने इस तरह से स्किल्स बिल्ड करनी है, मैंने अपने बैट को ऐसे पकड़ना है, इस तरह से बॉल को ट्रैप करना है, तो उसमें स्किल्स हैं, उसमें पोजीशन किस तरह से उसने मैनेज करनी है, तो तभी वो खेल सकेगा और तभी वो अचीव कर सकेगा अपने गोल को। तो इसी तरह प्रोग्रामर जब होते हैं तो उनको भी अपने प्रोग्राम को लिखने से पहले एक रेसिपी माइंड में बनानी पड़ती है कि किस तरह से उसने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। इसी तरह से जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं वो क्या, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पीपल होते हैं, जिनके पास एक ब्लैंक पेपर हो तो वो उसके ऊपर अपने आइडिया को कंसीव करते हैं और पहले वो पहले वो थिंक करते हैं कि क्या करना है, फिर वो प्लानिंग करते हैं, फिर वो अपने प्लान को राइट करते हैं और फिर वो इस तरह से समझ के अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं और सारी जो भी उनका प्रॉब्लम होता है प्रोग्राम का उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो डिज़ाइन रेसिपी है उसके एक्सप्लेनेशन के बाद उन्होंने हमें 5 स्टेप जो हैं कंक्लूड करके बताए हैं कि प्रोग्रामर में होने चाहिए। वो कौन से हैं? सबसे पहला, एनालाइज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टिपिकली एक्सप्रेस एज अ वर्ड प्रॉब्लम। मीन्स अपनी जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, जो आपको प्रोग्राम का क्वेश्चन मिला है, आप पहले उसके अंदर प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करें। सेकंड पे, एक्सप्रेस इट एसेंस एब्स्ट्रैक्टली एंड विद एग्जांपल। अब जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एग्जांपल के साथ उसकी मौजूदगी का अपने आप को समझाएं कि वाकई ये प्रॉब्लम है और इसको हमने सॉल्व करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अपनी स्टेटमेंट्स को आप फार्मूलेट करें और प्रिसाइज लैंग्वेज में कमेंट्स भी दें अपने, जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो उसका तो आप उसको कमेंट भी करते जाएं साथ साथ। उसके बाद इवेलुएट एंड रिवाइज द एक्टिविटी इन लाइट ऑफ चेक एंड टेस्ट। जब आपने प्रोग्राम का सबसे पहले एनालाइज किया है प्रॉब्लम की, फिर उसके बाद आपने उसका एब्सेंस बताया है कि वाकई में प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने कोड लिखा है कमेंट के साथ उसको पूरा कवर कर दिया, उसके बाद एक दफ़ा आपको चेक करो उसको कि उसमें कोई प्रॉब्लम या एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, फिर लास्ट पे आप पे अटेंशन टू डेट। ठीक है, इस तरह से ये जो 5 स्टेप्स हैं वो प्रोग्रामर के लिए नहीं, बल्कि वो कहता है कि बिजनेसमैन, कोई भी लॉयर है, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर या कोई भी पर्सन है, वो अपना जब काम कर रहे होते हैं तो उनमें ये 5 एबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करके एक अथेंटिक सोल्यूशन दे सकें। अब नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल के साथ हमारी इन 5 स्टेप को बताया है कि किस तरह से प्रोग्राम को की रेसिपी को आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है उसका पेरोल सिस्टम, ऐसा प्रोग्राम आपको आ जाए कि किसी कंपनी का पेरोल सिस्टम पे आपने प्रोग्राम लिखना है। पेरोल सिस्टम अगर आपने बनाना है तो कंपनी में मुख्तलिफ एम्प्लॉय होंगे, परमानेंट स्टाफ होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, ओली बेस्ड या फिर पर यूनिट मेकिंग एम्प्लॉय हैं, तो उनकी सैलरीज भी डिफरेंट हैं। उन्होंने नीचे बताई हुई हैं कि जो परमानेंट है उनके 20,000 है और इस तरह से बाकी भी जितनी जितनी सैलरीज हैं। सबसे पहले आप अपने इस प्रोग्राम को, अगर आपको ये दिया उन्होंने लिखने को, तो आपने सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, फिर आपने सोचना है एग्जांपल के साथ कि वाकई इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास, हमने एक ऐसा डिज़ाइन करना है और किस तरह से लिखना है प्रोग्राम को, ये आप में सोच होनी चाहिए। जब उसके बाद आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया है तो उसकी कोडिंग के साथ आप कमेंट भी देते रहें। और फोर्थ वाले स्टेप में उन्होंने कहा कि किस तरह से लिखने के बाद आपने एक दफ़ा टेस्ट करना है, उसको देखना है कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और फिर आपने उसको फार्मूलेट कर देना है किसी भी प्रिसाइज लैंग्वेज के अंदर, कोई भी कोड जो कि आपको आता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। नीचे उसने पॉइंट टू रिमेंबर बताए हैं, डोंट अज्यूम ऑन दी पार्ट ऑफ द यूज़र, देन यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली,
डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड मीन्स आप अपना कोड में कमेंट देना भूलें मत. पे अटेंशन टू डिटेल और प्रोग्राम प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डिवेलपमेंट. कहता अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सिर्फ राइटिंग कोड ही नहीं है बल्कि आपके अंदर एबिलिटी पैदा करना है कि आप डिवेलपमेंट कर सकें और डिज़ाइन कर सकें किसी भी प्रोसेस की. आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. आज हमने 5 टॉपिक को कवर किया है. सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या है उसकी हमने डेफिनेशन देखी और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. सेकंड पे प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों है उसमें वहाँ पे एक क्वेश्चन था उसके दो पॉइंट थे वो देखे और देन उसका कंक्लूड किया 3 चीज़ों पे. देन स्किल्स कौन सी नीडिड होती हैं 5 स्किल्स थी जो रिक्वायर्ड हैं प्रोग्रामर को. फिर रेसिपी क्या है और किस तरह से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं उसके भी 5 स्टेप्स थे वो भी हमने देखे एक एग्ज़ाम्पल के साथ. फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. बाकी आप सब अच्छे से सीखें समझें और ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें. दुआ में याद रखें अपना ख्याल रखें और खुश रहें. अल्लाह हाफिज़.